कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से बकायदा अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही आज जैसे ही राहुल गांधी संसद भवन के अंदर पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष के जितने भी सांसद थे, ज़्यादातर लोगों ने इनका स्वागत किया, यानी कि राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी सदन के अंदर लगाए गए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्ष के नेताओं को लड्डू बांटकर भी खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि साल 2019 में कर्नाटक के कोल्लार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी, यानी कि वो अयोग्य करार दिए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए 2 साल की सजा पर रोक लगाई और आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, उन्हें लोकसभा के लिए योग्य करार दिया गया। पूरे कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है। कल संभवतः राहुल गांधी सदन में मुद्दा उठा सकते हैं, यानी कि सरकार को मणिपुर मामले पर घेर सकते हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। हालांकि पहले दिन काफी हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने लगातार हंगामा किया, जिसके चलते चाहे वो विधान परिषद की कार्यवाही हो या फिर विधानसभा की, कई कई बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि स्थगन के बाद जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, फिर से विपक्षियों ने हंगामा कर दिया। समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे वो कई तख्तियां लेकर आए थे, जिसमें कई स्लोगन लिखे हुए थे, जिसमें कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, उसके अलावा किसानों, महंगाई जैसे मुद्दे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मांग की जाती रही कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर यूपी सरकार चर्चा कराए, जिसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यह नियम है कि दूसरे राज्य की चर्चा किसी दूसरे राज्य की विधानसभा में नहीं कराई जा सकती, क्योंकि सीधे तौर पर या तो यह चर्चा मणिपुर विधानसभा में होनी चाहिए या फिर देश की संसद में। आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दों के बजाय दूसरे राज्य के मुद्दों पर चर्चा क्यों चाहती है? लेकिन कुछ भी हो, इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई बिल, कई संशोधन अध्यादेश जो वो लेकर आई थी, उनको सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद कहीं न कहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ऐसे में जिन चीजों को लेकर चर्चा होनी थी, जो सवाल लगे थे, जिनके जवाब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को देने थे, वो भी नहीं हो पाए। उम्मीद है कि कल फिर से सदन शुरू होगा और उन सवालों पर चर्चा होगी जो कि पहले से लगे हुए हैं। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा विधानसभा परिसर में हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को उठाया गया। इसके अलावा आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने विधानसभा परिसर में आज विधानसभा के सभापति को नोटिस देकर मणिपुर में हुई हिंसा और जो दो महिलाओं के साथ में नग्नता हुई है उसको लेकर वहां पर अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर नोटिस दिया और उनसे मांग की है कि जो पीड़ित परिवार है उनके साथ सांत्वना जताने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो है मणिपुर जाने की मांग की है। और उन्होंने मांग की है कि इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाए। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा विधानसभा परिसर में हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को उठाया गया। इसके अलावा आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने विधानसभा परिसर में आज विधानसभा के सभापति को नोटिस देकर मणिपुर में हुई हिंसा और जो दो महिलाओं के साथ में नग्नता हुई है उसको लेकर वहाँ पर अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर नोटिस दिया और उनसे मांग की है कि जो पीड़ित परिवार है उनके साथ सांत्वना जताने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो है मणिपुर जाने की मांग की है। और उन्होंने मांग की है कि इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें सभी वर्गों को लेकर के पत्र लिखा गया, यानी कि बीएचयू वाराणसी में जिस तरीके से छात्रों के साथ शोषण हो रहा उसको लेकर के पत्र लिखा गया। इस पत्र में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों को एक समान आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि वर्गों आरक्षण को लेकर के लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही है उसको लेकर के ये पत्र लिखा गया। साफ है कि जिस तरीके से ऐसी व्यवस्था जो है सभी विश्वविद्यालयों में की जाए, इसको लेकर के मांग की गई है। साफ तौर पर अजय कुमार लल्लू का पत्र लिखने का मतलब यही था कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बात कर रही है, उसके साथ ही साथ में वर्गों को, सभी वर्गों का विभाजन हो सके जिससे कि छात्रों की पढ़ाई एक समान वर्ग से हो सके। हरियाणा के नू जाएगा आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल। जी हाँ, हरियाणा में नू में हुए हिंसक घटना के बाद अब आरएलडी का एक प्रतिनिधिमंडल नू जाएगा। आपको बता दें कि जयंत चौधरी के दिशा निर्देश पे अब आरएलडी का 5 सदस्यीय एक दल
नू जाएगा, वहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात भी करेगा। आपको बता दें इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष से लेके प्रवक्ता से लेके और पूर्व विधायक इसमें शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि इसमें शाहिद सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव यशवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह, निशा चौधरी और पूर्व विधायक राव विराज मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से नू को लेके सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी घेरने की कवायद की जा रही है, उसी में अब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सहयोगी आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाणा में अपना पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते अब माना जा रहा है कि नू में प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात करेगा आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश जान और माल दोनों पर भारी पड़ रही है। इसी सिलसिले में कई दफा देखा ऐसा भी जा रहा है कि भारी रपटे में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। रामनगर से ऐसा ही एक खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेज रपटे में बाइक सवार तीन लोग बहते दिख रहे हैं। गनीमत ये रही कि तीनों लोगों को बचा लिया गया, परंतु ये वीडियो बताता है कि किस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है। वहीं बारिश का कहर भी उत्तराखंड पर लगातार जारी है, लिहाजा खतरनाक स्थान पर रहने वाले लोग ऐसी स्थिति में खुद को बचाने की भी कोशिश करें और जल्दबाजी में मार्ग पार करने की कोशिश में कोई हादसे का शिकार न होने पाए यह भी सुनिश्चित करें। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां इन दिनों शिक्षा का अलग जगाने के लिए रामपुर ज़िले में तहसील के कस्बों में और गांवों में जा रहे हैं और बच्चों को बुलाने के बाद उनको प्यार भी कर रहे हैं और साथ में उनके परिजनों से कह रहे हैं कि इनको शिक्षा ज़रूर दिलाइए, आधी रोटी खाएंगे, शिक्षा ज़रूर दिलाएंगे। ये नारा लेने के बाद आजम खां गांव-गांव और कस्बे कस्बे जाने के बाद जो है वो शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। जबकि ऐसे में जबकि इंडिया नाम से विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की नए नए तरीके ढूंढ रहा है और सारे ही विपक्ष के नेता इन दिनों सड़कों पर हैं और वो जो है लगातार संघर्षशील हैं। ऐसे में आजम खां राजनीति से दूर रामपुर में एक जो है शिक्षा की अलग जगाते हुए बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों शिक्षा हासिल करो, शिक्षा की तरफ जाओ, चाहे मेरे यहाँ पढ़ो या फिर किसी और के यहाँ पढ़ो, लेकिन शिक्षा ज़रूर हासिल करो। ये जो संदेश है आजम खां सभी जगहों पर दे रहे हैं और इन दिनों आजम खां राजनीति से दूर और जो है वो ख़ास तौर से जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। तो इसको लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है कि राजनीति से दूर आजम खां जो है वो शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं और वो जो है ख़ास तौर से रामपुर ज़िले में जगह जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। आज की अगर हम बात करें तो डीजीपी भी विधानसभा सत्र के शुरुआत के समय वहां मौजूद रहे हैं। उसके अलावा डीसीपी एडीसीपी लेवल के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और यातायात बाधित ना हो उसको लेकर भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं मानसून सत्र की अगर बात करें तो मानसून सत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमीरपुर जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जिले की छोटी छोटी नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। चंदवल नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने से क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं और गांव का संपर्क मार्ग पड़ने वाला पुल बाढ़ में तब्दील हो गया है, जिससे आवागमन पिछले कई दिनों से बंद है। मामला हमीरपुर जिले के मौदा तहसील के परोड़ी गांव से होकर निकलने वाली चंदवल नदी का है। इस छोटी नदी का रौद्र रूप बाढ़ के समय देखने को मिलता है। बाढ़ से लगभग दो दर्जन से अधिक गांव का संपर्क टूट गया है। चंदवल नदी में बाढ़ आने से नदी पर बना पुल पूरी तरीके से पानी पर तब्दील हो गया है, जिससे मौदा और सिसोल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। वहाँ के बासिंदों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग नदी में तैर करके पार करने को मजबूर है। पुल डूबने के कारण प्रशासन द्वारा आवागमन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं जिले में बेतवा और यमुना का भी जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र इलाके में कल देर रात एक बेटे ने अपनी ही माँ के सर पर लोहे की रॉड से हमला करके अपनी माँ की हत्या कर दी है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजीव विहार इलाके का है, जहां पर एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ घर में रहती थी। आए दिन बहू और सास के बीच विवाद हो रहा था, जिससे उबकर बेटे ने अपनी ही माँ के सिर पर मामूली सी बात पर विवाद होने के बाद लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ कई हमले कर दिए, जिसके चलते बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी बेटे ने पुलिस को मामले की जानकारी दी।
घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। 48 घंटे के अंदर हरचंदपुर पुलिस ने कलयुगी बाप को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेटी होने पर नाराज शराबी पति ने मां की गोद से बच्ची को जमीन पर पटक दिया था और कई बार पटका था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके सीएससी हरचंदपुर में एडमिट कराया गया था। वहां पे डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल में जहां उसकी मौत हो गई, वहीं पत्नी की तहरीर पर हरचंदपुर पुलिस ने नशेड़ी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन पूर्व किशोरी की मौत के मामले में आया नया मोड़। वहीं पुलिस ने किशोरी के भाई और पिता के ऊपर FIR दर्ज कर और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद किशोरी के शव को कब्र से निकलवा कर वहीं PM को भेजा। जी हां, हम आपको बता दें, यह पूरा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावरपुर गांव का है, जहां पर 3 दिन पूर्व किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। वहीं 5 दिन पूर्व किशोरी को सरे बाजार में किशोरी के भाई व पिता द्वारा पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं वायरल वीडियो के अनुसार मामले का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए चौकीदार गांव के ही चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने FIR पिता और भाई के ऊपर दर्ज कर पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। वहीं DM के आदेश के बाद किशोरी के शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस या जांच में क्या निकल कर आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जनपद आगरा के बटेश्वर तीर्थ धाम यमुना घाट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक पूजा अर्चना करने आया था। उसी दरमियान वो यमुना में नहा रहा था, वो गहरे पानी में चला गया और वो डूब गया। चीख पुकार सुनकर वहां पर स्थानीय जो गोताखोर थे और PSC के गोताखोरों ने उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 1.5 से 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद PSC के गोताखोरों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक के मृतक शरीर को यमुना जी के गहरे पानी से निकाला है, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों में मौत से कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सब का पंचनामा भर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आपको बताते चलें कि जो मृतक युवक था वो अपने दोस्तों के साथ बटेश्वर धाम दर्शन करने के लिए गया था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना इलाके के गांव सकरपुर में एक मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें मकान में मौजूद मां और बेटी मलबे में दब गईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों की हालत गंभीर बनी हुई थी। दोनों को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गए। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित को जल्द ही मुआवजा दिलाया जाएगा और सरकार द्वारा उसका भवन भी बनवाया जाएगा। लेकिन पीड़ित का आरोप यह है कि ग्राम प्रधान से कई बार मामले की शिकायत की और उसने कहा कि मुझे सरकार द्वारा एक मकान बनवा दिया जाए, लेकिन प्रधान ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह रही कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद वह मकान भरभराकर गिर गया और मकान में माँ बेटी मलबे में दब गई। स्थानीय लोगों ने उनको कड़ी मशक्कत के बाद भले ही बाहर निकाल लिया और जिनका इलाज चला, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का रहने वाला युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उस युवक का कहना है कि उसे पुलिस ने थाने में बुलाकर मारपीट किया, साथ ही जिसके बाद उस पीड़ित युवक ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि उस युवक ने यह भी बताया है कि उसके माता पिता और उसे थाने में पुलिस बुला ले गई, जिसके बाद उसके साथ और उसके माता पिता के साथ मारपीट की है, जिसके बाद उस युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके लेकर उसने काफ़ी कुछ भी बताया है। और उसने कहा है कि इस तरह पुलिस ने उसे और उसके माता पिता के साथ जो मारपीट की है वह बिल्कुल गलत है, जिसके बाद उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब देखना होगा कि उस पीड़ित युवक को कैसे और कब इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जब पुलिस ही इस तरह की लापरवाही और इस तरह की घटना को अंजाम देगी तो आखिरकार पीड़ित कहाँ पर अपने
दरवाजे को खटखटाने पहुंचेगा। अब देखना ये होगा, जिस तरह पीड़ित दर दर भटक रहा है और अपने न्याय पाने को लेकर गुहार लगा रहा है, तो आखिरकार उस पीड़ित को कब न्याय मिलेगा। वहीं उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी गंडक नदी के किनारे शौच करने गए बीए की छात्र का पैर फिसलने से नदी में गिरा। नदी में गिरने के बाद हुआ लापता। हालांकि आसपास के लोग और पुलिस प्रशासन के द्वारा खोजबीन किया जा रहा है, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इसकी सूचना मुकामी पुलिस के द्वारा एसटीआरएफ की टीम को दिया गया है, लेकिन अब तक एसटीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और युवक का तलाश भी किया जा रहा है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के आयरौली गांव ढाला के पास का है, जहाँ पर बीए का छात्र मनीष कुमार सिंह शौच करने के लिए गया हुआ था, लेकिन अचानक उसका पैर बड़ी गंडक नदी में फिसल गया, जिससे वह लापता हो गया। हालांकि इसकी सूचना जब आसपास के लोगों को चली और परिजनों ने मौके पर पहुंच के उसकी तलाश शुरू कर दिया, लेकिन न मिलने पे उन लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया। मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग के लोग और पुलिस के द्वारा उसका सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। अब एसडीआरएफ की टीम का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या एसडीआरएफ की टीम लापता युवक का शव या उसे बरामद कर पाती है या नहीं।